अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सहरिश, आप देख रहे हैं हमारा चैनल सहरिश एक्सप्लोरर। आज मैं बहुत ही अजीब सी जगह पे बैठी हुई हूँ, छत पे आके बैठी हूँ, क्योंकि रूम में बहुत गर्मी लगती है। जब पंखा बंद करके चाहे वीडियो बनाएं तो इतनी गर्मी हद से ज़्यादा होती है। तो मैं छत पर आ गई थी और मुझे आज मेरा गाँव याद आ गया, क्योंकि छत पर जब मैं गाँव में वीडियो बना रही होती थी ना, तो इतनी सख्त गर्मी, सख्त मतलब जून जुलाई के यही मंथ चल रहे थे, जून जुलाई की गर्मी में मैंने वीडियो वॉच करनी, तब ये होता था कि ग्रुप्स में वीडियो एक दूसरे की वॉच कर लेनी, एक दूसरे का सब्सक्राइब कर देना, और बहुत तमाशा होता था बहुत ज़्यादा। और सारा सारा दिन मैं बैठी रहती थी ना, मुझे खाने का होश ना पीने का, मतलब कोई पता नहीं होता था कि हमने क्या, हमारी अपनी लाइफ जो है वो बिल्कुल स्पॉइल हो गई सिर्फ यूट्यूब। तो ख्वाब में भी बल्कि मैं देख रही होती थी कि पता नहीं मैंने किसी का चैनल रह तो नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना, तो ये सीन था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, बैड न्यूज़ ये हुई थी कि मेरा चैनल जब बड़ी मुश्किलों से मैंने मोनिटाइज, जब हो गया मेरा चैनल, उसके बाद वो दो दिन बाद डिमोनिटाइज हो गया। बहुत ही दर्दनाक ये कहानी है, मैं फिर किसी दिन आपको सुनाऊंगी अपनी वीडियो में। तो आज हम सीखेंगे कि हम अपने चैनल पर जो हमारा लोगो, चैनल लोगो है, उसके ऊपर हम सब्सक्राइब और लाइक वाला पॉपअप बटन जो है वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये ना देखिएगा कि ये तो सिंपल सी वीडियो है या फिर सिंपल सी अजीब सी जगह पर लड़की बैठ के मतलब वीडियो बना रही है, तो ये नहीं, क्या पता हो सकता है आपके काम भी ये वीडियो आ जाए, और हो सकता है आपको ना पता हो। और इतनी ख़ास मतलब मैं बड़ी यूट्यूबर तो नहीं हूँ, ना ही बड़ी टेक के रिलेटेड मैं कोई ऐसी बना सकती हूँ, लेकिन फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट, और आप लोग, हो सकता है आपके काम आ जाए या आपको इजीली समझ आ जाए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर किया करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें जो मेरी गलतियाँ होती हैं या फिर जो आपके पास एक्सपीरियंस है वो शेयर किया करें मेरे साथ, ठीक है। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से हम और आप मिलकर वो YouTube के लिए जो है बेहतर से बेहतर चीज़ें वो कर सकेंगे, या फिर मैं आपको सिखाऊंगी, या आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि किस तरह इसको थोड़ा मजीद वो करना चाहिए था। तो पॉपअप वाला जो बटन है, लाइक सब्सक्राइब वाला, वो हम किस तरह बनाएंगे अपनी इस वीडियो पे। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। जी, तो हम अपनी स्क्रीन पर आ गए हैं और हम देखेंगे कि हमें कौन सी ऐप चाहिए जिसमें हम अपनी पॉपअप जो है वो सब्सक्राइब वाला बटन जो है वो बना सकेंगे। हम काइन मास्टर ओपन करेंगे, काइन मास्टर में मैं आ गई हूँ। अब हम देखेंगे कौन सा रेशो जो है वो हमने सेलेक्ट करना है यहाँ से। तो ये जो दरमियान में स्क्रीन है इस पर हम क्लिक करेंगे और मैं 16.9 जो है उस पर क्लिक कर लूँगी। अब हम यहाँ से जो है कोई भी, हम मीडिया में जाकर पहले बैकग्राउंड जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड में फ़िलहाल ब्लैक सेलेक्ट करूंगी ताकि आपको अच्छा वाजे नज़र आ जाए। जो मैं यहाँ पर लोगो अपना चैनल का वो लूंगी, आपको वो साफ साफ नज़र आ जाए। अब लेयर पे मैं क्लिक करके ऊपर जो मीडिया बना हुआ है उस पर मैंने क्लिक किया है। फिर हम स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया था अपने चैनल के लोगो का, स्क्रीनशॉट मैंने जब लिया तो क्रॉप, इसे अब हम क्रॉपिंग कर लेंगे। क्रॉपिंग पे ये जो लिखा हुआ है मास्क, इस पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब मास्क पे आप करेंगे तो राउंड शेप में बन जाएगी इस तरह, लेकिन मैं राउंड में नहीं करूँगी, तो इसलिए ये पहले मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह क्रॉप कर सकते हैं आप अपने चैनल के लोगों को, क्रॉपिंग कैसे करेंगे। लेकिन मैं उसमें नहीं, राउंड शेप में नहीं लूँगी, इसलिए मैंने वो कर दिया है। तो अब देखें, अब हम इसको किस तरह से, सॉरी वो थोड़ा आगे हो गया था, मेरे चैनल का नेम आगे हो गया है, वो मैं ऊपर कर लूँगी ब्लैक के। अब हम जो ब्लैक स्क्रीन थी उस पर क्लिक करके मैं कलर जो है इसका ग्रीन कर लूँगी। ग्रीन कलर करेंगे तभी हमें वो शो होगा, मैंने ग्रीन कलर कर लिया। अब हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, फिर दोबारा हम लेयर पे क्लिक करेंगे, लेयर पे करके मीडिया में, ये मीडिया, इस पे क्लिक करके अब मैंने जो लोगो मेरे पास रखा हुआ था, अगर आपको इसकी ये चाहिए वीडियो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं लिंक दे दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में या इसी में लिंक दे दूंगी, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा बिना कॉपीराइट। ये देखें, इस पर अब हम क्रोमा की जो है वो, क्रोमा की को जब हम प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह आ जाएगा। अब हम ये जो ऊपर हमने सब्सक्राइबर वाला जो बटन है उसको हमने यहाँ से सेट कर लेना है।
जब हम सेट करेंगे क्रॉप करके, इसको आपने देखना है कि आपने कहाँ पे रखना है, बिल्कुल जो नीचे वाला आपका जो लोगो होगा वो थोड़ा बड़ा हो और जो सब्सक्राइब वाला बटन है वो थोड़ा सा छोटा हो, ताकि आपका लोगो जो है वो नज़र आ जाए, और सब्सक्राइब वाला इतना ज़्यादा भी छोटा ना हो, आप अपनी मर्ज़ी से बड़ा छोटा वो कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अपनी मर्ज़ी से जो है वो इसे कर लिया था। ये देख लें जी, हम इसे सेट कर लेंगे। मैं स्लो स्लो इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे तरीके से। अब हम देखेंगे इसे, ये ठीक है, इस तरह सेट हो गया। ये मैंने इसे यहाँ से सेट कर लिया। जो हमारे पास बाकी पिक्चर, आपके पास अगर लॉन्ग थोड़ी हो जाती है तो आप उसे ट्रिम कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट कर लें खींच कर, जैसे बड़ा छोटा कर लेते हैं उस तरह। ये देखें, ये खुद ब खुद उस पर क्लिक कर रहा है सब्सक्राइब पे, पहले लाइक पे हुआ है, सब्सक्राइब पे, फिर बेल आइकन पे। अब उससे हमने जो है वो अपनी गैलरी में, यहाँ देखें 1080 पे मैं डाउनलोड कर लूँगी। इसे एक्सपोर्ट कर लिया मैंने। अब फिर इसको मैं दोबारा काइन मास्टर ओपन करूँगी, दोबारा काइन मास्टर ओपन करके 16.9 पे मैं क्लिक करूँगी, तो जो मैंने यहाँ से अभी बनाया था अपना सब्सक्राइब वाला बटन, उसे मैं ले लूँगी। ये गैलरी में है, इसे मैंने यहाँ से ले लिया है। अब हम देखेंगे कि इसको हमने, ये ग्रीन वाला जो कलर है उसे हमने कैसे हटाना है। ये देखें, नीचे आप जाएंगे, ये दोबारा हम अपनी गैलरी में आकर, कोई हम अपनी वीडियो ले लेंगे, जिस वीडियो पे हमने ये लगाना है लोगो, वो वीडियो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर ली। ये देखें, मैं ये वाली वीडियो ले लूँगी। फिर हमने मीडिया पे क्लिक करके, पहले लेयर पे करना है, फिर मीडिया पे क्लिक करके वो लोगो जो हमने एक्सपोर्ट किया था अपनी गैलरी में उसे ले लेंगे। लेयर पे क्लिक किया, फिर मीडिया पे, मीडिया पे जाके ये देखें, ये मेरी वो जो मैंने वीडियो भी बनाई थी, शॉर्ट से क्लिप बनाया था सब्सक्राइब वाला बटन, उसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर हम नीचे जाके देखें, क्रोमा की जो है, ये क्रोमा की पे हमने जब क्लिक कर देना है, तो जो बैकग्राउंड ग्रीन था वो यहाँ से कट हो गया, और ये हमारा जो बटन है वो बन गया सब्सक्राइब वाला, साथ हमारे चैनल का लोगो भी लग गया है, लेकिन हमारा बटन भी बन गया इस तरह। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि किस तरह से हमने इसे पॉपअप करना है, यानी कि ये ऊपर नीचे जाएगा, पॉपअप कैसे होगा वो अब हम सीखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि एक ही जगह पे रहे वो, तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है, जिस तरह से भी है, लेकिन अब हम इसे पॉपअप करेंगे, वो आप देखिएगा अभी कंप्लीट वीडियो। जी, तो हम उसी जगह पर आ गए हैं जहाँ पर अपना हमने लोगो बनाया था। अब देखें, इसी ग्रीन पर हम क्लिक करेंगे, तो अब हम देखेंगे, ये देखें, इन एनिमेशन लिखा हुआ है, ओवरऑल एनिमेशन या आउट एनिमेशन, इन तीनों में से हम कोई सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने आउट एनिमेशन पे जब पहले क्लिक किया है, तो हम स्लाइड अप जो है उस पर कर लेंगे। ठीक है, स्लाइड अप पे मैंने क्लिक किया, तो ये देखें ऊपर से नीचे की तरफ, सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हम टाइमिंग जो है वो आप देख लें कि कितने सेकेंड में आपने करना है कि ऊपर ये आए, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अप डाउन की मतलब जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। अब हम इन एनिमेशन में जाएंगे, इन एनिमेशन में हम देखेंगे ये स्लाइड अप करना है या फिर आपने ये 1.5 जो है वो मैंने रख लिया। ठीक है, ये नीचे से ऊपर की तरफ 1.0 भी है, 0.5 भी है, 1.5 जो है वो मैंने यहां पर रख लिया है। तो अब हम दोबारा देखेंगे कि आउट एनिमेशन, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। आउट एनिमेशन में हम देखेंगे कौन सा हमने यहाँ से सेलेक्ट करना है। ठीक है, देख लेते हैं। अब हम ये स्केल डाउन, या फिर हमने, बल्कि स्केल डाउन रहने देते हैं, हम स्लाइड डाउन ही कर लेते हैं। ये देख लें, स्लाइड डाउन, इस पे मैंने क्लिक किया है। जब हमारा लाइक कमेंट, वो लाइक कमेंट, सॉरी लाइक सब्सक्राइब हो चुका है, तो ये नीचे की तरफ चला गया। तो ये हम यहाँ से इस तरह पॉपअप भी कर सकते हैं। ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोज कैसी लगती है। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।